Hey viewers, welcome back to this YouTube channel Mir Academy and this is Hamza Mir. Well viewers, अपने previous video के अंदर हम लोगों ने Government of India Act 1919 यानी कि Montfort Reforms को detail के साथ discuss किया था. हम अपनी इसी timeline of history को continue करेंगे अपनी आज की video के अंदर. So before we start, देखते हैं कि हमारा आज का जो topic है वो क्या है. वेल व्यूअर्स, हियर वी हैव आवर टॉपिक राइट देयर ऑन द स्क्रीन व्हिच इज रॉलेट एक्ट. और आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया और इसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स क्या थे. तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कॉन्टेंट के साथ, दैट इज द वर्ल्ड वॉर वन. एंड द ईयर ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन वॉज 1914 to 1918. वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी जी इस ड्यूरेशन के अंदर, 1914 से 1918 को जाके इट एंडेड अप. अब स्टोरी स्टार्ट होती है इस वर्ल्ड वॉर से ही, बिकॉज ब्रिटिश दे वर फाइटिंग द वॉर. तो वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहते थे कि किसी किस्म की कोई इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, बिकॉज हम एक चीज जानते हैं कि इंडियंस जो थे दे वर द पार्ट ऑफ द वॉर. उनको इस वॉर में शामिल होने के लिए कहा गया था. इंडियंस एज वी नो दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज, तो वो सब के सब तो इस वॉर का हिस्सा नहीं बने थे. हम वर्ल्ड वॉर वन का एक डिटेल टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि मैं ये जस्टिफाई कर सकूँ कि ब्रिटिश को मेनली थ्रेट किस चीज़ का था. वो था द सर्टन नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का. बेसिकली ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि जब वो एक वर्ल्ड वॉर का हिस्सा हैं तो ऐसे में किसी किस्म की कोई इंटरनल इश्यूज क्रिएट हों अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो टू कर्ब द नेशनलिस्ट टेंडेंसी, या फिर हम एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे जो वर्ड बोला है वो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. बेसिकली ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, दे वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटीज, फॉल्स एक्टिविटीज क्रिएट हो या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्रिएट हो, बिकॉज दे वर सर्टन काइंड ऑफ रेवोल्यूशनिस्ट जो कि लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे थे, बिकॉज नॉट एवरी वन वॉज इन द फेवर ऑफ टू बी द पार्ट ऑफ द वॉर. तो दिस इज वॉट बेसिकली ब्रिटिश वॉन्टेड. वो कर्ब करना चाहते थे नेशनलिस्ट टेंडेंसी को इंडिया के अंदर. अब ऐसा करने के लिए इन्होंने किया क्या? सो द ब्रिटिश डिसाइडेड इन 1915 टू डिक्लेयर और टू इम्प्लीमेंट एन एक्ट जिसका नाम रखा गया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1915 के अंदर. अब ये एक्ट क्या था? दिस एक्ट वॉज बेसिकली एन इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ. और इस एक्ट को पास किया था उस वक्त के गवर्नर जनरल ने, यानी कि एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया. क्यों? बिकॉज ब्रिटिश को यह थ्रेट था कि किसी किस्म की कोई एक इंडियन नेशनलिस्ट या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्रिएट हो सकती हैं और उनको मुश्किल हो सकती है वर्ल्ड वॉर के अंदर. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस एक्ट को पास किया गया और डिसाइड ये हुआ कि ये एक्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर एंड होने तक इम्प्लीमेंटेड रहेगा, बल्कि नॉट ओनली अंटिल द वर्ल्ड वॉर, बल्कि इसको आफ्टर 6 मंथ भी इम्प्लीमेंट रखा गया. यानी कि अगर हम देखें कि वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हुई थी और ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट फर्दर सिक्स मंथ तक इम्प्लीमेंटेड रहा. सो इसी एक्ट को बाद में आगे जाकर 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया. सो दिस इज व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ द रॉलेट एक्ट इज. अब यहाँ पे फर्दर जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि ब्रिटिश ने 1917 के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई अंडर अ पर्सन हुज नेम वाज जस्टिस रॉलेट. इस कमेटी को डेवलप करने की रीज़न ये थी कि वो ये डिसाइड करें
व्हाट शुड बी द फ्यूचर सिनारियोज रिगार्डिंग द डिफेंस। अब एम क्या था? इस कमेटी का एम ये था कि दे वांटेड टू अबॉलिश रिवॉल्ट एंड अपरूट कॉन्स्पिरसीज। टारगेट यही था कि किसी भी किस्म के रिवॉल्ट्स को रोका जाए और किसी भी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट ना होनी दी जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर के अंदर किसी किस्म की फर्दर कोई मुश्किल पेश ना आए। सो दिस इज व्हाट द एम ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन कमेटी वाज। और फर्दर इस कमेटी ने फिर सजेस्ट क्या किया? दे सजेस्टेड टू एक्सटेंड, मैंने जैसे कि बताया कि 1915 के अंदर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया था, तो दिस कमेटी इन 1917 सजेस्टेड टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ द एक्ट। दे डिसाइडेड के इस डिफेंस एक्ट को इनडेफिनाइट पीरियड के लिए इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो आई विल राइट इट ओवर हियर, टू एक्सटेंड द एक्ट फॉर indefinite period। मतलब ये कि पहले डिसाइड था कि इस एक्ट को 6 मंथ तक चलाया जाएगा आफ्टर द एंड अप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, लेकिन 1917 में डिसाइड हुआ कि इस एक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाए इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, जिसको ऑब्वियसली लेटर ऑन रॉलेट एक्ट का नाम दिया। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये रॉलेट एक्ट एग्जैक्टली था क्या, यानी कि इसके जो प्रोविजंस थे वो क्या थे। इसमें टोटल 3 से 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है अरेस्ट विदाउट वारंट। गवर्नमेंट ने पुलिस को ये राइट्स दिए थे कि वो किसी को भी, अगर उनको किसी भी पर्सन के ऊपर शक है, तो वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। नॉट ओनली अरेस्ट, दे हैड द सर्च वारंट्स that they can search any place or whom। वो किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं अगर वहां पर उनको कोई भी ऐसा material मिलता है जो government के against है, या किसी person पे किसी किस्म का भी कोई शक है, तो they can arrest that person और उसके लिए उनको warrant की जरूरत नहीं है। Second is the detention without bail, के जो भी person arrest कर लिया जाएगा उसकी bail नहीं होगी, यानी कि जमानत नहीं होगी, और maximum उसको 2 years के लिए जेल में रखा जाएगा इफ दैट पर्सन इज बीन सस्पेक्टेड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी। किसी भी किस्म की टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी में किसी की इन्वॉल्वमेंट पे शक है, तो दैट पर्सन वुड बी इन जेल फॉर 2 years एटलीस्ट। तीसरा पॉइंट था पब्लिक गैदरिंग्स, कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो बैंड है, एज आई मेंशन्ड ओवर हियर, कल्चरल और रिलीजियस। कहीं पे भी लोग किसी कल्चरल एक्टिविटी के लिए या फिर रिलीजियस गैदरिंग्स के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बैन गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर दिया। उसके अलावा द फर्दर फोर्थ पॉइंट दैट वी नीड टू ऐड ओवर हियर इज दैट गवर्नमेंट क्रिएटेड स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स। उन्होंने स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स डेवलप किए फॉर द क्विक डिसीजंस, और उसके अंदर टोटल 3 हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया गया कि वो क्विकली डिसीजंस लेंगे फॉर द पीपल हुज बीन अरेस्टेड या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये थे हमारे रॉलेट एक्ट के प्रोविजंस, के उसमें क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की गई, और इन शॉर्ट हमें यही नजर आता है कि ब्रिटिश ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टोटली पावरफुल एट दैट टाइम। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस एक्ट के फर्दर इम्पैक्ट्स क्या आए थे। सो द फर्स्ट इम्पैक्ट ओवर हियर, एज वी कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन ऑफ जिना। Jinnah was a person who resigned from the Imperial Legislative Council, and not only Jinnah, there were certain other council members jinhone council se resign kiya, jisme se ek naam Madan Mohan ka bhi tha. So these in protest resigned from the council. Iske sath sath agar hum dusri political parties dekhein, jaise ki us waqt to do hi political parties bahut zyada prominent thi, jinme ek ML thi
और जो दूसरी थी वो आईएनसी थी। तो गांधी फ्रॉम द अदर साइड ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दैट एक्ट, और उन्होंने डिसाइड किया टू स्टार्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको नाम दिया गया सत्याग्रह का। नाउ दिस सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड इनिशिएटेड बाय गांधी, और 6 अप्रैल को कंट्री में पीसफुल प्रोटेस्ट और हड़ताल के लिए कॉल की गई बाय गांधी, जिसमें काफी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट शामिल हुए। एक तरफ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो था वो कॉन्टिन्यूड था, तो ऐसी ही सिचुएशन के अंदर पंजाब से एक न्यूज आई कि वहां पे जो दो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और वो दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे डॉक्टर सैफुद्दीन और दूसरे पर्सन थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दो प्रोमिनेंट लीडर्स के पंजाब में प्रोटेस्ट की वजह से अरेस्ट होने के बाद वहां पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, यानी कि पंजाब की सिचुएशन जो थी वो भी ब्रिटिश के हाथ से निकल रही थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये 9 अप्रैल को, सॉरी 9th नहीं, हाँ 9 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ था अरेस्ट का। और जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, सो ब्रिटिश डिसाइडेड टू हैंडल दैट सिचुएशन, और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 11 अप्रैल को कंट्री में मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया गया। पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया, और पंजाब की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जिस पर्सन को वहां पे बुलाया गया वो थे जनरल डायर। अब ये था हमारा रॉलेटेड का टॉपिक। इससे आगे जो कॉन्टिन्यू टॉपिक है वो है अमृतसर मसैकर का, और यहीं से ये स्टोरी आगे इंटरलिंक्ड होती है अमृतसर मसैकर के टॉपिक के अंदर, और उसी स्टोरी को हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कॉन्टिन्यू करेंगे डिटेल के साथ। हम देखेंगे कि फिर अमृतसर मसैकर क्या था और उसके कॉजेज और इम्पैक्ट्स क्या थे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ काइंडली डू कॉमेंट इन द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज काइंडली डू सब्सक्राइब इट एज वेल, एंड वेट फॉर आर अपकमिंग वीडियो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन क्लिक कीजिएगा सो दैट यू नो दैट कि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अंटिल देन प्लीज काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुदा हाफिज।